बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ के जो पास पेपर हैं उसमें से कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, द राइट बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल पासिस थ्रू। जो राइट बाइसेक्टर होता है किसी भी कॉर्ड का सर्किल की, वो कहाँ से पास होता है? सेंटर ऑफ सर्किल से। इसका से इसको देख लेते हैं। कॉर्ड क्या होती है? जो दो पॉइंट को मिला है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, दो पॉइंट को मिला रही है ना, तो डायमीटर भी कॉर्ड ही होता है। ये अगर सर्किल का सेंटर है, सही। तो अगर किसी को भी हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि बाइसेक परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? दो हिस्सों में तकसीम करने वाला, और परपेंडिकुलर भी हो और दो हिस्सों में तकसीम करने वाला भी हो। ठीक है, देखिए कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से। अब है सम ऑफ दिस इज, इसका सम का फार्मूला होता है ना, ये क्यूब वाले जो सीरीज होती है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। 8.2x फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, तो आप करके देख लेते हैं। एन यानी कि 10 इंटू 10 प्लस वन यानी कि 11 अपॉन टू का क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 3025। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप माइनस वन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। स्लोप दिया हुआ है इस लाइन का, और पॉइंट दिया हुआ है क्या, टू और माइनस थ्री। इसमें भी वाली इक्वेशन लिखी थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ से सबसे पहले आपने इसमें पॉइंट और स्लोप रखना है, माइनस वन टू और माइनस थ्री। बी निकाल लेंगे यहाँ से, सही, बी निकाल आएगा ना, तीन चीज़ें दी हुई, तीन चीज़ें रख ली, बी निकालेंगे, फिर इसी में पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, ये आंसर आएगा इसका, एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस वन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और लाइन। पॉइंट और लाइन का फासला मालूम करने का एक फार्मूला ही तरीका ये है कि जो आपकी 5x प्लस 12y माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स और वाई की जगह ये पॉइंट रख दें, और उसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट में इसके जो कोफिशेंट है इसका स्क्वायर कर दें। देख लेते हैं, 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y क्वेश्चन रखनी है पूरी, माइनस 16, और इसके डिनोमिनेटर में इसका जो कोफिशेंट है इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये फार्मूला भी था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और y की जगह ये पॉइंट, 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1, सही। तो इससे इसका आंसर आ जाएगा, ये फार्मूला बता दिया बस, बाकी आप करके देख लीजिएगा। अच्छा, तो इसका डिस्टेंस आएगा 1, इसका वो बताना है कॉजेक इनवर्स का डेरिवेटिव, तो ये होता है माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। आर्क कॉजेक भी लिखा होता है, कॉजेक इनवर्स भी लिखा होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल बताना है। ये इंटीग्रल हमने पढ़े हुए हैं 6.6 में पढ़े थे, ये काफ़ी सारे फार्मूले हैं इस तरह के, इस तरीके के आप देखें, ये सारे उसमें हैं, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल, ये डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रल। इसका जो फार्मूला था वो ये था, वन अपॉन ए sec इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। 6.6 में ये सारे फार्मूले लिखे हैं, इसका भी है डेरिवेटिव इंटीग्रल dx अपॉन इस साइन का क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस ए, सही। अ सेट ऑफ पॉइंट्स डिस्टेंस ऑफ विच फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये सर्किल है कैसे, सर्किल की डेफिनेशन है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज सेम। इस फिक्स पॉइंट से इन सबका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर, और ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। सही, इस तरह पैराबोला की डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इज सेम। तो
यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का सेम होता है, तो ये पैराबोला कहलाता है। अच्छा जी, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमने प्रूफ किया हुआ है फर्स्ट ईयर में। टू आई प्लस थ्री के, ये आई और ये सबसे पहले सर्किल बना लिया हमने, आई जे के यूँ होता है ना, आई जे के, आई क्रॉस जे क्या होता है के होता है, के क्रॉस आई क्या होता है जे होता है, जे क्रॉस के आई होता है, कवर टू आई क्रॉस थ्री के सही है। तो इसमें क्या होगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के हमें जाना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब करते हैं आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आएगा के लेकिन नेगेटिव आएगा, इसको हम यूं करें, ये क्या आएगा माइनस छ माइनस सिक्स जे, सही इसका आंसर हो गया माइनस सिक्स जे। अच्छा जी, द एंगल बिटवीन वेक्टर आई एंड जे इज, तो आई और जे वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर, आई होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये होता है वाई एक्सिस के अलोंग, इनके दरमियान एंगल कितना होता है इन 90 डिग्री, सही। इन थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा एरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 1000, क्या होता है एरिथमेटिक में, ए प्लस बी अपॉन टू, ए एम जो होता है इसका फार्मूला ये है, तो 4 प्लस 1000 अपॉन टू कर देंगे हम, प्लस 1000 अपॉन टू आ गए 502। उसके बाद इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट थीटा इज, तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई, सही, और टेंजेंट क्या होता है वाई अपॉन एक्स होता है ना, तो माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएंगे ना, पॉजिटिव आ जाएगा। अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एक जो छक्का होता है हमारा उसको हमने उछाला, ऑड नंबर की जो वो है प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, वो होगी 3/6 या फिर हाफ, हाफ चांस है ना कि आधा चांस है कि आधे 1 2 3 4 5 6 या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो 1 ऑड नंबर है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, आधे आधे का चांस है। अ सीक्वेंस द रेसिप्रोकल हुज टर्म इज ए पी, एच पी का जो रेसिप्रोकल है वो ए पी होती है, सही। द एंगल बिटवीन, ये हो गया सही सही। अब अगली वीडियो में हम कुछ और मजे